वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्पेशली जिनके बोर्ड्स चल रहे हैं। आई होप यू टू आर डूइंग वेल। मैं ये वीडियो इसीलिए सैटरडे को डाल रही हूँ क्योंकि कल संडे को सबका एग्जाम नहीं होगा, तो आप लोग आसानी से मेरी वीडियो देख सकते हो और थोड़ा चिल कर सकते हो। तो मेरी पिछली जो वीडियो थी उस पर मैक्सिमम कमेंट्स यही आए थे कि आप लोग मेरा डेली रूटीन देखना चाहते हो। एंड सीरियसली बताऊँ, मुझे सुबह से वीडियो शूट करने में बहुत ही शर्म आ रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या दिखाऊँ ऐसा जो इंटरेस्टिंग लगे। मेरे रूटीन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं किसी और को दिखाऊँ वीडियो बनाकर, लेकिन फिर भी सिंस यू ऑल वॉन्टेड टू सी, तो मैंने अपने रूटीन को कंबाइन करके कंपाइल करके और दिखाने की कोशिश की है। और अब रात हो चुकी है, आज सुबह से मैं ये वीडियो बना रही थी, तो मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। हम लोग 8 AM वाली क्लास जा रहे हैं, अभी बहुत ही ठंड हो रही है। इतनी सुबह सुबह ठंड में उठना बहुत ही टॉर्चर है। और वैसे मैं सर्दियों में कभी कभी इग्नोर कर देती हूँ 8 बजे वाली क्लास। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हाय। हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो गाइज हम अभी क्लास अटेंड करके आ चुके हैं। अभी 8 to 9 वाली क्लास थी। अब 9 to 12 वैसे आइडियली पोस्टिंग होती है, लेकिन हमें 8 to 9 वाली क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि हम हॉस्टल जाके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉस्टल आई हूँ, उसके बाद मैं पोस्टिंग जाऊँगी। हमारी पोस्टिंग हॉस्पिटल में ही होती है, तो हॉस्पिटल की जो एंट्री है, मतलब जो एक गेट है पार्किंग वाला, वो हमारे हॉस्टल के थोड़ा सा ही दूर है। तो पोस्टिंग में यूजुअली पैदल चली जाती हूँ इसीलिए। मेरी पोस्टिंग अभी ENT में है, ईयर नोज थ्रोट अगर आपको पता हो तो दिसंबर के मंथ में मेरी पोस्टिंग ENT में है। तो अभी हम ENT वार्ड जाएंगे और वहाँ पर हमें एक केस मिलेगा जिसको हम एग्जामिन करेंगे, उसका ट्रीटमेंट वगैरह और उसको क्या प्रॉब्लम है, हिस्ट्री लेना, ये सब सिखाते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। इस अभी 11:30 हो रहे हैं और मेरी पोस्टिंग अभी ओवर हुई है, और 12 से मेरी क्लास है वापस 12 to 1 और 1 to 2। तो अभी मैं हॉस्टल जा रही हूँ, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ 12 बजे क्लास जाऊँगी। हमारी सारी क्लासेस आज की हो चुकी हैं। 12 to 1 थी ENT की क्लास और 1 to 2 थी SPM का डेमो। और अब हम हॉस्टल आ चुके हैं और अब लंच टाइम है। भूख लग रही है बहुत तेज। इट्स अराउंड 7:30 नाउ और अब मैं ब्रेक लूँगी क्योंकि मैं काफ़ी देर से पढ़ रही हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर का ब्रेक लूँगी अराउंड डिनर तक। तो इस टाइम में यूजुअली मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। मैं या तो अपने किसी फ्रेंड के रूम में जाके बैठ जाती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई काम होता है तो वो करने चली जाती हूँ मार्केट से कुछ सामान लाना है या कुछ। तो ये काम मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इस टाइम में कि मैं क्या करूँगी।
नहीं है, तो मैं ऐसे ही रात को डिनर करने के बाद थोड़ी देर टेरिस पे जाके और घूम लेती हूँ, तो उससे मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है और मैं मोटी नहीं होती। ये है हमारी टेरिस, लाइट्स नहीं है तो आप लोगों को भी दिख नहीं रहा होगा। मेरा ब्रेक काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो गया है, मैं डिनर करके भी आ चुकी हूँ और मैं टेरेस पे वॉक भी करके आ चुकी हूँ। अब मैं थोड़ी देर ऐसी घर पे बात करूँगी क्योंकि आज मैंने सबसे घर पे बात नहीं करी है, और फिर मैं वापस पढ़ाई करूँगी। जितनी देर मेरे को नींद नहीं आएगी, फिर जब मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगी। गाइज, दिस वॉज माई डेली रूटीन। मतलब आइडियली मेरा रूटीन यही होता है, कभी कोई क्लास नहीं होती या मैं नहीं जाती, यूजुअली मैं 8 AM वाली तो बिल्कुल नहीं जाती, और कभी हम शॉपिंग करने चले जाते हैं, कभी मैं ज़्यादा देर सो जाती हूँ, कभी मैं ज़्यादा देर पढ़ लेती हूँ, मतलब वो सब एक्सेप्शंस हैं, बट आइडियली मेरा रूटीन यही है, मैं पूरा दिन यही करती हूँ। और आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे जल्दी से 100K सब्सक्राइबर्स कराओ, मैं कब से सिल्वर प्ले बटन का वेट कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।